अच्छा जितना हमने पाठ्यक्रम में थ्योरी किया था धर्मी का डेथ ऑफ द पार्टनर भी वैसे ही है, डेथ और रिटायरमेंट जो नारा मेजर डिफरेंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑल विल बी सेम एज द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो गुडविल रहे जो सब जो जैसा था वैसे ही करेंगे। और आपको मैंने रिटायरमेंट पार्टनर एक इंट्री लिख के दिया है कैपिटल रिपेमेंट का लिख के दिया होगा, कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट और स्लैश लोन अकाउंट लिखा होगा ना, इसलिए लिखा है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल पेमेंट का देखो मिला तिथि मिला क्या लिखा है कैशबैक अकाउंट डेबिट और कैशबैक अकाउंट और रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट ना। हाँ आपको मैंने बोला था कि इस दुनिया में इनकमिंग काउंटर है तो पैसे देना नहीं चाहिए भाई बाद में लोग उसको लोन में ट्रांसफर हो गया। वैसे अब यहाँ पे कि अभी अपना ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ इसमें लिखा कि उसमें वर्ड आएगा वो फाइनल सेटलमेंट डिसीज पार्टनर किसी मतलब जिसका डेथ हुआ है डेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट अगर पूरा पेमेंट हो गया है तब क्या इंट्री आएगा डिसीज पार्टनर कैपिटल टू कैश बैंक, रिटायरमेंट में क्या वर्ड था रिटायरमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक का, अब यहाँ वर्ड क्या यूज करिए डिसीज डिसीज मतलब डेथ पार्टनर। अब रिटायरिंग पार्टनर में अगर उसको कैश दे रहे थे उसके लोन में ट्रांसफर होगा तो वो क्या था रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट का, लेकिन यहाँ तो डेथ हो गया तो पर्सन तो आए नहीं अब ना मिस्टर ए का डेथ हो गया तो मिस्टर ए का डेथ होने की डेथ होने के बाद उसका जो लीगल नॉमिनी रहेगा नॉमिनी वारिस उसका नाम पे लोन आएगा। लेफ्ट फॉरवर्ड है अगर पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो लोन टू लीगल हेयर्स, लीगल हेयर मतलब उसका कानूनी वारिस नॉमिनी सुनो नॉमिनी वर्ड नॉमिनी तो उसको वर्ड बोलते लीगल हेयर्स या उसी को वर्ड बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर मतलब उसका वारिस जिससे वर्ड आएगा कभी आएगा डिसीज पार्टनर कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू डैश लोन ऑफ लीगल हेयर या लोन ऑफ एग्जीक्यूटर्स ठीक है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर का लोन टू द रिटायरिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर लोन का यहाँ का पहले वर्ड क्या आएगा लोन टू द लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर्स। अब लोन है तो मान लो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट होता रहेगा उनका एग्रीमेंट हो रहेगा भाई इंटरेस्ट हमको क्वार्टरली चाहिए या हाफ ईयरली चाहिए तो इंटरेस्ट ऑन द लोन पेड तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मान लो देखो एक बार उनका जो टर्म बना रहेगा नॉमिनी के साथ फिर ओके भाई हमारा जो जो भी कैपिटल का अमाउंट था 2 लाख रुपए का एक साथ आप नहीं दे सकते ठीक है लेकिन मेरे को प्यारे हर महीने में या हर क्वार्टर में मेरे एक एक इंस्टॉलमेंट देते जाओ तो लोन और इंस्टॉलमेंट रीपेड यहाँ पे क्या हुआ 2 लाख रुपए उसका लोन में ट्रांसफर हो गया ओके। अब वो एग्रीमेंट बना हुआ ठीक है 2 लाख रुपए आपको ट्रांसफर कर दे एक साथ नहीं दे सकते ना जब लोग 3-3 महीने में 50-50 हजार दो इस तरह तो 2 लाख रुपए यानी 4 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा 50,000 तो लोन और इंस्टॉलमेंट रीपेड क्या है लोन टू लीगल हेयर और एग्जीक्यूटिव अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यहाँ पे क्या था डिसीज पार्टनर कैपिटल टू कैश बैंक अगर पूरा सेटलमेंट एक ही बार में हो गया फाइनल सेटलमेंट डिसीज पार्टनर कैपिटल टू कैश बैंक लेकिन पहले लोन में ट्रांसफर हुआ है और बाद में मान लो अगर उसका लोन का कुछ पेमेंट हो रहा है तो इंट्री क्या आएगा लोन टू लीगल हेयर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ओके। खाली वर्ड आ रहा है लीगल हेयर या एग्जीक्यूटर वर्ड इसके लिए जब तक पार्टनर वाले पॉइंट में पॉज कर दो। प्रॉफिट शेयर मतलब डिसीज पर और डिसीज पर डेथ होने के बाद उसका प्रॉफिट कैसे शेयर देगा बहुत सारे फॉर्म बहुत सारे पार्टनर अगर पार्टनर इन बिटवीन लेयर डेथ हो गया हो महीना भर बाकी है या 15-20 दिन बाकी था बिजनेस क्लोजर के लिए और डेथ हो गया तो कोई भी 15-20 दिन पहले मान लीजिए 31 मार्च को बुक क्लोज होता है लेकिन मान लो अगर
15 मार्च 2020 को डेथ हो गया। अब 15 दिन पहले तो बुक 15 दिन के लिए कोई बुक क्लोज नहीं करने वाला है, बोले अभी क्लोज करूँ अपने 31 मार्च के बाद फिर बुक क्लोज करूँ। ताला मारना नहीं, चाबी लगाया हो गया। बुक क्लोज करना होता सी ऑडिटर को बुला के चेकिंग कराना, तो खर्चा डबल पड़ेगा। जो सी है वो अपने विजिट के हिसाब से चार्ज लेगा, जितना विजिट आएगा उतना चार्ज लेगा। तो अगर मान लो उसको अकाउंट कंप्लीट करने के लिए 5 विजिट सी, तो 5 विजिट यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर मान लो फिर 2-3 विजिट दिया तो 8 विजिट, तो एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा। तो कंपनी क्या करता है, पार्टनरशिप फॉर्म वो बुक क्लोज नहीं करेगा, वो रफली क्या करेगा, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ रहेगा ना उसके हिसाब से उसको, मान लो कितना हुआ ये 11.5 महीना मान लीजिए एग्जाम्पल, तो 11.5 महीना फिर 11.5 महीना पूरा ईयर था, उसमें खाली 15 दिन पहले देख लो ना, 15 दिन कट कर दो 12 महीने में से, बाकी 11.5 महीना बचेगा ना। तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट का 11.5 महीने का प्रॉफिट उसको मिल जाएगा। तो ये लेकिन क्या लास्ट क्या है, अब लास्ट से ये प्रॉफिट उसका जो भी आंसर आ रहा है अमाउंट उसका, वो एक्चुअल एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट का कैलकुलेट किसके बेस पे हुआ है, लास्ट का प्रॉफिट हुआ है, इस साल के प्रॉफिट बेस नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ रियल प्रॉफिट और करेक्ट प्रॉफिट। पार्टनर डाइज इन बिटवीन द ईयर देन द सम टाइम अदर पार्टनर मे नॉट क्लोज द बुक्स, दे जस्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर परफॉर्मेंस, पहले के प्रॉफिट के बेस पर लोग कैलकुलेशन करते हैं। वाई वी यूज वर्ड सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी वो वी डोंट नो द करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो बिकॉज द लास्ट ईयर प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, तो वर्ड क्या यूज करते हैं सस्पेंस, एक जाएगा प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट लेकर टू डीसी पार्टनर कैप्टन। अब ये इसका पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेटर डिसीज पार्टनर बेस्ड ऑन पास्ट ईयर इज कॉल्ड डैश प्लस सस्पेंस अकाउंट, ट्रीट करते हैं 50 से असेट्स ऑल असेट्स परमानेंट नहीं है, बाद में अभी 15 दिन की बात है ना, इसका जो बुक क्लोज होता रियल प्रॉब्लम आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट को फिर कट कर देंगे। At the end of the year, popular suspense account need to be eliminated. Eliminated means sir. Eliminate करना, हटाना वहां से। सारे गामा पा ग्रैंड फिनाले के नाम और क्या डांस इंडिया रन डीआईडी तो देखते नहीं, कंटेस्ट है एलिमिनेटेड, वही एलिमिनेट किया है। तो एलिमिनेट नीड टू राइट आउट, कैंसिल करना, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अब यहाँ सस्पेंस डेबिट था उसको कैंसिल करने में सस्पेंस क्रिएट हो गया, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब क्या करें, यहाँ पे आपने कहा लिखा उसको बैलेंस शीट असेट्स है, उसमें से अब क्या करूंगा लेस कर दूंगा, लेस फ्रॉम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट ऑन द असेट्स साइड। दो एंट्री, पहले जब जिस दिन जिस चीज हुआ रहेगा उस दिन जो प्रॉफिट आ रहेगा उसका एंट्री क्या आएगा, प्रॉफिट सस्पेंस टू रिसीव पार्टनर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर
5 वर्ष सस्पेंस अगर आपको एलिमिनेट करना पड़ता है तो इंट्री क्या होता है पॉपुलर अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पॉपुलर सस्पेंस। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपको मुझे पिक्चर का याद आता है सर, जैसे बहुत पिक्चर देखता है मक्खी पिक्चर देखे, मक्खी पिक्चर क्या पिक्चर है ना, एक नंबर का मेरे लिए गाना मेरा प्रेम कहानी है मेरा सुना वो आपके लिए मेरे लिए मेरे इस कहानी के लिए मेरे को वो याद आ गया। तो उसमें दो पार्टनर लोग रहते और 500 करोड़ का कितने रुपए का पॉलिसी ले रहे इंश्योरेंस और एक पार्टनर जान बुझ के दूसरे पार्टनर को टक्का डालते इस लालच में कि वो पार्टनर मर जाएगा तो पॉलिसी का पूरा पैसा मेरे को मिल जाएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो इंश्योरेंस कराओ एक ही अमाउंट पे एक ही प्रीमियम पे दोनों के लिए आप भी जितने पार्टनर हैं उसमें से एक भी पार्टनर को अगर डेथ हुआ रहेगा तो पॉलिसी का पूरा पैसा मिलेगा और सारे पार्टनर आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस पिक्चर में दो ही पार्टनर थे एक डेथ हो गया तो एक ही बचेगा जो भी मिलेगा पूरा का पूरा उसको अकेले में मिलेगा। ये मेरे काम का था और आपको पिक्चर देना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सम टाइम द फर्म टेक्स इंश्योरेंस फॉर द पार्टनर एज ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी विद अ सिंगल प्रीमियम एक ही प्रीमियम भर के सारे पार्टनर लोग ऐसा कल बिजनेस में ही नहीं होता है। पिछले 12 साल से पाकिस्तान के क्रिकेट को दिल्ली जा नहीं रहा है कौन जाएगा अपना अपने डेथ सर्टिफिकेट साइन करके वहां कौन खुलने जाएगा। फिर भी हमारे देश में हमारे देश के आसपास जो पड़ोसी लोग हैं वो इतने डेढ़ साढ़े लोग हैं तो श्रीलंका वो लोग गए थे हम लोग जाएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है तो सारे प्लेयर लोगों के ऊपर उन्होंने पॉलिसी ले रखा था 5-5 लाख। नसीब अच्छा था कि मैच तो खेले मैच जहाँ हो गया उसके बाजू में स्टेडियम में बॉम्ब पड़ गया और वो अभी उनका पहला मैच हुआ और लोग वापस चले आए पूरे देश के लोग अरे पाकिस्तान को जानते आतंकवादी आतंकवाद वहां कौन मैच खेलने जाएगा लेकिन श्रीलंका वाले गए थे पटेल बन के बहुत अच्छा हुआ कि किसी को प्लेयर लोग जो वहां साइड में बैठे थे उन लोगों को इंजरी तो हुआ डेथ नहीं हुआ ऐसा है। तो ऐसे अरे खाली की बिजनेस के अंदर जहाँ पे रिस्क ज्यादा एडवेंचर हो तो लोग क्या करते हैं पॉलिसी रखते हैं। तो इससे क्या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है क्या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सारे लोगों के लिए एक ही प्लान एक ही पॉलिसी आप एक ही प्रीमियम भर के क्या करते हो पॉलिसी ले रहे हो और उस प्रीमियम में अगर मान लो 4-5 पार्टनर है उसमें डिस्काउंट दे दिया 10 पार्टनर उसमें डिस्काउंट दे दो क्या क्लेम जो भी मिलेगा वो आपके पार्टनर अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सच पॉलिसी विल गेट मैच्योर मैच्योर मतलब विल ऑनर डेथ ऑफ द एनी पार्टनर कोई पार्टनर का डेथ होता है तो पूरा पैसा उसको मिलेगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग डेथ पार्टनर अब जो डेथ पे ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिलेगा डेथ तो क्या हो गया लेकिन उसके लीगल वारिस है ना इंक्लूडिंग द लीगल वारिस है यार सक्सेसर भी बोलते बड़ा एक बार मैंने लोन अभी जो निकली जा रही थी जानेंगे दो वर्ड यूज किया था लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर सक्सेसर भी होता है सक्सेसर तो वारिस तीनों वर्ड का मतलब सेम ही है। तो जो भी इंश्योरेंस का पैसे मिलेगा तो ऐसा नहीं कि 5 पार्टनर है तो 5 में से डेथ हो गया तो खाली 4 लोग डिस्ट्रीब्यूट नो वो जो 5वां डेथ है उसका जो नॉमिनी है वो भी शेयर करेगा प्रॉफिट प्रॉफिट तो पॉलिसी का अमाउंट और अमाउंट कहाँ डालेंगे सच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रेड होता है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट विल बी शेयर अमाउंट ओनली एग्जीक्यूट रिमेनिंग पार्टनर नो ऑल पार्टनर ओके इन विच रेशियो कैपिटल रेशियो नो दे विल शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एंट्री क्या होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक वर्ड है
पैसे कितना मतलब मिलेगा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मान लो अगर 1 लाख का था, कभी कभी कुछ होता है पॉलिसी जो होता है टाइम पीरियड होता है कि 2 साल 4 साल 5 साल का, अब 5 साल का पॉलिसी लिए हो और 1 ही साल में किसी का डेथ हो गया तो कंपनी को लॉस होगा। कौन सी कंपनी हो? इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है ना। तो एक लॉक पीरियड होगा, लॉक पीरियड यानी क्या, 3 साल कम से कम, जैसे LIC है उनके 3 साल आपको प्रीमियम भरने कम से कम, उसके बाद अगर छोड़ भी देते तो भी आपका जितना भरे उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन 1 साल 2 साल बढ़ के आपको भाई मैंने तो नहीं भरना आगे तो 2 साल का पैसा आपका डूब गया समझो। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख का लिए थे, अब मेरे को टाइम से पहले अगर डेथ हो गया है तो मुझे आपको पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। जब सरेंडर करो तो उसका कुछ पैसे कट होगा, मान लो 2000 रुपये मेरा सरेंडर कर दिया और प्लस साल का प्रीमियम भरना पड़ता है, वही तो खर्चा मेरा प्रीमियम भरा 15000। तो 1 लाख का पॉलिसी था उसमें 2000 सरेंडर का खर्चा हुआ और 15000 का प्रीमियम, कितना हो गया 17000 मान लो 83000 आपको मिलेगा अमाउंट वेल रिसीव। ये पैसे क्या करना पड़ेगा आप अपने सबको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मीन्स पॉलिसी टेकन बाय ऑल द पार्टनर एट अ सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम मतलब अब 5 पार्टनर तो अलग अलग प्रीमियम नहीं बना पाँचों को, एक ही प्रीमियम है सबके लिए। सेकेंडली ये पैसे कब मिलता है, जब डेथ हो जाता पार्टनर तो, ओके तो प्रॉफिट कौन शेयर करेगा, खाली जो रिमेनिंग है वो लोग की ऑल ऑल फिर लीगल एयर भी आएगा, कौन से रेशियो में प्रॉफिट से रेशियो में और कहाँ भी क्रेडिट होगा वो कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसा रहेगा उसके अंदर, तो अगर कभी अब इस तरह का वो अमाउंट मेरे सामने आएंगे तो अगर पॉलिसी 1 लाख का है सरेंडर वैल्यू 2000 और प्रीमियम 15000 तो बच्चा कितना 83000 वो 83000 में भी शेयर, ओके।